खाना कितने बोल रहे हो? पूरे जेल चला गया, गर्मी में भाप पड़े, पंखे में पड़े हैं अंदर। लेकिन बना कर कर बहुत बड़ा हाल है उतरा खाना पड़े। ऐसा नहीं समझते कर को। बाहर रहे घूमने आओ या काम करो तुम तब पता चलेगा तुमको। तब कैसे खाते हैं लोग? अरे चूतिया समझ रखा सर हमको, चूतिया तो तुम लोग। हम लोगों ने जिस प्रकार से देश की सीमाओं पर बरम में रहे, गर्मी में रहे, तुम पंखे में बैठे हुए वहाँ पे। हमें कर रहे पूरा पूरी फौज का बुलाओ आज यहाँ पूरा करो। मजाक बना रखे घर के अंदर घुस रहे मारने के लिए लेट जे जा रही है, है? उसके बाद ये पुलिस वाले उन्हीं के साथ बैठ के दारू पी रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ घूम रहे हैं। क्या मित्रता कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हम अच्छी कार्रवाई। इनको भेजो ग्लेशियर में, तब पता चलेगा इनको जब ठंड में, इनके जब जब ठंड से मरेंगे सारे। अरे ये राजस्थान में गर्मी भेजो, तब पता चलेगा इनको भेजना चाहिए। मजाक बना रखा है, अंदर बैठे हैं पंखे में, हम भाग चिल्ला रहे हैं कि लाओ लाओ, हम लेंगे, तुम किस लिए बैठे हो यहाँ वतन का लेने के लिए? अरे हमको क्रिमिनल समझ लगा, उसको तो फिर ही छोड़ देता है, जेल गरम कर दी इनकी। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और ये तस्वीरें हैं चौकी हर्रावाला की, जहां पर जो पूर्व सैनिक हैं वो यहां पर आक्रोशित हैं, क्योंकि कुछ बस्ती के लोग कल एक घर में पहुंचते हैं, एक विवाद शुरू होता है गाड़ी की वजह से, जहां पर एक बोलेरो से जो पहाड़ से आती है, एक युवक पहाड़ से आता है और यहाँ पर गाड़ी हटाने के लिए एक बोलता है, उसके बाद ही पूरा विवाद शुरू होता है। किस तरीके से आज देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक जो है वो पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इनका कहना है, इनके कुछ आरोप भी हैं जो पुलिस के ऊपर ये लगा रहे हैं, तो पूर्व सैनिक यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय में। सर क्या कुछ कहना है जो कल विवाद हुआ एक गाड़ी की वजह से गाड़ी हटने के बोले? मुझे पता नहीं है उसके बारे में, हम बाहर से आए, जो इधर नजदीक है उनको पता होगा, मेरे को उतना क्लियर पता नहीं। अच्छा पिताजी हैं उनके, ये हैं जिनके साथ, जिस युवक के साथ पूरी वार्ता हुई, पूरी वारदात ये हुई। सर क्या हुआ था पहले वो बताइएगा, क्या हुआ? पहले साहब मेरा लड़का गांव से काफी दिन वाला, गांव ज्यादा रहता हो, यहाँ बहुत कम आता है, बहुत कम लोग पहचानते। वो अपने लड़के के बर्थडे के लिए आ रहा था और गाड़ी आई तो मेरे जो रोड आती उस रोड पे बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। अब उसने हॉर्न दिया, कोई नहीं आया बाहर, और बाद में उसने गाड़ी बंद करके घर की तरफ आया, तब तक उस घर से एक लड़का और दो औरतें आई और उसने उसको पूछा कि आपने क्या बोला, गाड़ी आपकी? उन्होंने बोला हाँ, बोला यही बोला कि गाड़ी थोड़ा साइड में कर दो, इतनी बड़ी जगह है, ये रोड पे आपने बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर रखी है, और इतने देर में वो बोलने लग गया तेरे बाप की रोड है ये। और इसके बाद वो लड़के को एकदम झपटा इन्होंने, और उसके बाद घर से मैं भी दौड़ के गया, मैंने इनको छुटाने की कोशिश की, इनके औरतों ने मेरे पीछे हुए डंडा का वार कर दिया। उसके बाद एक पड़ोसी आया, उन्होंने बोला इन्होंने अपने कॉलोनी को फोन कर दिया है, आप अपने घर में छुप जाओ नहीं तो ये तुम्हारा खून कर देंगे। हम डर के मारे बच्चे को भगाया मैंने और घर के अंदर गेट बंद किया, इन्होंने मेरा गेट तोड़ के चाबी फेंक के और गेट के ऊपर से छलांग मार के बच्चे के सर में चोट मार के हमारे को घर में औरत को भी मेरे को भी सारे कपड़े फाड़ फोड़ करके आए। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस लेट पहुंची, जब पुलिस का वहां से हॉर्न बजा, इन्होंने कों कों करके वो हॉर्न बजाया, ये वहां से भागने शुरू हो गए अपने घर की तरफ। उसके बाद जो है पुलिस ने बोला कि इनको भी और आप भी, मैंने कहा पहले जिसको चोट लगी है सर मैं पहले उसका इलाज करूंगा, मैं मेडिकल के लिए गया, मेडिकल कराया के लाया, मेरे को मेडिकल करते करते रात के 3 बज गए थे। फिर यहाँ से आके मैं डोईवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर उसके बाद हम घर गए, इन्होंने बोला कल सुबह बुलाएंगे आपको, और कल सुबह से हम यहाँ पर इतने लोग मेरे एक्स सर्विस मैन वगैरह सारे लोग आए हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और जो नाइट में पुलिस वाले गए थे सबसे हराम खोर हुए, जब उन्होंने गाड़ी और वो लोग को कर लिए थे तो वो गाड़ी और वो उनको क्यों दिया, वो मेरे से पहले दून में मेडिकल करवा रहे, अपने आप सिन्हाचारी की अपने आप पहले रिपोर्ट लिखना वहाँ पहुँच गए, फिर वो वहाँ से यहाँ आए, इन्होंने उनको छोड़ दिया। क्या मतलब होता है इनका? अच्छा कहाँ के सर, ये कहाँ के लोग बताए जो आप बता रहे हैं, कहाँ से आए थे ये लोग, कहाँ के आस के घर के आसपास? हाँ
घर के आसपास इनका एक घर है, वो एक औरत को शादी किया जो मेरे सुनने में आया, उनके जो चाचा चाची हैं वो भी मेरे बगल में हैं, उन्होंने कहा कि ये इसने 5 बच्चों वाली औरत से शादी की। अब वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी कुछ की शादी होगी जिसमें से 3-4 लड़कियां हैं, और ये लड़कियां हमेशा उसी घर में इधर उधर रहते हैं, इनके दामाद वहीं रहते हैं, और अब उस जिसने शादी की थी उसको भी छोड़ दिया, उसको रात को ये दारू पी के मारते हैं, वो डर से कहीं नहीं जाता। अब उसने दूसरा मालिक अपना लिया, अब उसका रवैया है, और वो दोनों दिन भर पता नहीं कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, और ये सारा दारू का धंधा वगैरह पूरा, बाकी कोई नौकरी नहीं है, चाकरी है, और गाड़ियाँ इनके पास देखो बड़ी हाई फाई गाड़ियाँ। अच्छा, तो ये बस्तियों में क्या में रहते हैं क्या, कुछ ऐसा भी आया कि कुछ बस्ती में रहते हैं ये लोग? तो आपके पास आए थे, घर के अंदर आए थे? हाँ, बस्ती से लास्ट में सारे लोग आए, जो 20-25-30 लोग आए वो बस्ती से आए, पहले 7-8 लोग थे, 5-6 लेडीज थी, 2 लड़के थे, और बार वो जो है वो वहाँ से फिर उन्होंने फोन किया, और मेरे को मेरे बगल वाले ने बोला कि आप घर के अंदर भाग जाओ, नहीं तो इन्होंने बस्ती में फोन कर दिया ये सारे आने वाले, और इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वे बोलते हैं कि हम तुम गढ़वालियों को यहाँ पेट्रोल से जला के तुम कल के आए हो, हमारी खानदानी बस्ती है, बोलते यहाँ ये उनके लोग इस तरह के बोलना बहुत भयानक है हम लोगों ने, मतलब इस तरीके की बात की है कि पहाड़ियों पे आग लगाने वाली जो बात की, हाँ ये बात की इन्होंने। और उसके बाद मैंने बच्चे को उठाया था, मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ मेडिकल करा, सीटी स्कैन कराया, उसका सर पे चोट था, फिर रात हो गई थी, और सुबह से हम इधर ही घूम रहे हैं, और ये सारे लोग देख रहे हैं, सारा तमाशा मचा रखा है। इसमें मेन जो रात को चीता वाले 2 पुलिस वाले गए थे, और थाना इंचार्ज है, उनकी लापरवाही है, और इनको सस्पेंड होना चाहिए, अगर जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे हम सैनिक बल यहाँ से हिलेंगे नहीं। सारे पुलिस वाले इनकी लापरवाही है, और ये लोग इनको खिलाते पिलाते हैं, और इनके सारे मेरे मोहल्ले को पूछो, किसी का भी बयान पूछो, इन लोगों की चाल है, ये बहुत कांड कर चुके हैं, हर महीने तीसरे महीने चौथे महीने ये कहीं ना कहीं कांड करते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के ही लोग हैं सर, आपसे भी पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पहाड़ियों को लेकर एक इस तरीके का बयान दिया गया, और साथ ये भी कहा गया कि दारू का व्यापार वहां पर खुले तौर पर चलता है, और पुलिस भी कई बार गिरफ्तार कर चुकी है, जैसे पेटियों के साथ मैंने सुना, कोई व्यक्ति वहीं के थे वो बता रहे थे कि पेटियों के साथ भी पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने उत्तराखंड बनाया था, लेकिन आज यहाँ पे जो आधे से ज्यादा जो विधायक है वो बाहर के हैं, एक पहले सबसे बड़ी बात ही हो रही है, और वो अपनी वोट पावर के लिए क्या है बाहर से आदमी को यहाँ जो है बसा रहे हैं, जो कि अनेक जो कॉलोनी है इस प्रकार अनेक कॉलोनी है, वो उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और आज वही हमको गढ़वाली के नाम से गाली दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। उनके पाप की रोड चलनी है गढ़वालियों के लिए। और अभी सुबह से ये कार्रवाई हो रही है, मान्य विधायक जी जो इस क्षेत्र के हैं, मान्य जो ये पार्षद इस क्षेत्र के हैं, सब गुम है, केवल वोट के लेने जो है वोट चाहे जनता से बस, लेकिन जब जनता को परेशानी होगी तब ये बिल्कुल दूर है, क्योंकि ये इन्होंने खुद बसा रखे हैं उल्टे उल्टे काम करने के लिए। अभी जो जिस के बारे में बता रहे हैं, 0 पॉइंट के में वहाँ पे एक शराब का धंधा होता है, शराब, और जब पकड़े जाते हैं तो ये जो हमारी पुलिस जिसे हमारे सेवा के लिए रखा हुआ है वो उन्हें जो है पैसा लेके छोड़ देती है, और अभी भी आज भी वही हुआ, कल जब उन्होंने पकड़ के ले लिया था उनको तो फिर छोड़ा क्यों, और आज जब हम यहाँ से पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो 2 पुलिस वाले उससे पहले निकल गए, तुम भागो यहाँ से, ये कार्रवाई बहुत ही शर्मनाक है। और आज हमारा जो गौरव सेनानी एसोसिएशन जो पूरा यहाँ पे आ रखा है, क्योंकि ये एक सैनिक का मामला है, और मैं माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पे ये जेब उठ डाले, इसकी जांच कराएं, क्योंकि इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, एक सैनिक यदि सेना में उसने जो है पूरी 28 साल नौकरी की, और आज उसकी घर में जाके कोई घर में मार रहा है, वो जबकि वो देश के लिए मरने के लिए तैयार था, लेकिन आज वो अपने को बचाने के लिए भी परेशान है,
बिल्कुल दूसरों की उसकी मदद लेनी पड़ रही है, ये दुर्भाग्य हमारा है। बिल्कुल सर। मातृशक्ति भी है मैडम, क्या कुछ कह रहे थे आप, क्या हुआ कल, आप भी वहाँ थी शायद मौजूद? मैं अपने ससुराल में थी, मेरे भतीजे ने फोन किया मुझे, मैं आई जैसे वहाँ पे सब चिपटे थे हमारे गेट पे, मम्मी लोग सब अंदर थे और मुझे आते ही बोला उन्होंने कि पेट्रोल डीजल लेके आओ, पूरा घर जला देते और गाड़ी जला देते। और मैंने बोला पहले मेरे पे हाथ लगा के देखो तुम, तब जलाना तुम गाड़ी डीजल जो भी जलाओगे ना। और वहाँ से कह रहे, फिर मैंने कहा मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि करके दिखाओ कि। मैंने जैसे पुलिस को फोन लगाया और उन्होंने तो पहले ये झूठ बोले, मैंने स्पीकर पर रखा तो उन्होंने सोचा कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया, फिर भागे वो धीरे धीरे से। और उसके बाद पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल उनके घर में भी तो जाओ, केस तो दोनों साइड से ना, कह रहे हो हम उनके घर में, उनको भी बाहर निकालो। उन्होंने साफ मना कर दिया और उनके साथ बैठ के पुलिस वाले अंकल यहाँ आ गए, उनकी कार में खुद बैठ के आए वो यहाँ। और फिर हमारे यहाँ आने तक उनका केस कुस लिख के वो वहाँ मेडिकल के लिए भेज के उनको वापस भेज के फिर वो चले गए, बस इतना ही हुआ। पुलिस वाला उनको भेजा, मेरी आप थी वहाँ पर, आपके आप आपके साथ ही मारपीट हुई। देखो ना क्या कह रहे थे जिस टाइम वो लोग घुसे आपके, कितने लोग संख्या में थे? तीन थे, बाल खींचे उनने तीनों ने, तब मेरे डेढ़ आके माला भी थी, वो भी पता नहीं कहाँ ले गए, वो ले गए या फेंक दिया वो भी नहीं जानते। बच्चों को भी मार दिया, मेरे हस्बैंड को भी कपड़े फाड़े, मेरे भी लड़का को तो कितना मारा, वहाँ छत से कूद गए, वो गेट से कूद गए। बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य, देखिए एक महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए, जो कह रहे हैं घर के अंदर, रोड पे होता है मैं मान्य था, वो घर पे आए घर के अंदर घुसे, ये इसका मतलब कि किस क्या 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 कानून है, क्या है हमारे उत्तराखंड का कानून क्या? और दूसरे में ये वो क्या कहते हैं इन्होंने, रोड पे जो गाड़ी खड़ी कर रखी है कि हमेशा ऐसे करते हैं ये लोग, हम तो चुप रहते थे कि यार हमने जैसे, अब वो कल लड़का आ गया अचानक, होनी वाली होगी बात किस्मत में मेरे को ऐसा करने का, वो उसमें उन्होंने मार पिटाई कर दिया हमारा। बिल्कुल। अब देखिए युवा साथी भी है सर, क्या कहेंगे, इतना बड़ा मामला, आग तक लगाने की बात की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए, जैसे महिलाओं के साथ जिस तरीके का हुआ, बच्चे बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके, देखिए ये जो वारदात हुई है ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी, इसमें बीच में लोगों ने पड़ के इसको बीच बचाव कर दिया, और जिस हिसाब से ये वारदात हुई है वो जानलेवा वारदात थी, ये तो इनकी किस्मत थोड़ी सही थी, जो कुछ लोग जो है हम लोग जो है मौके पे पहुंच गए और उन्होंने भीड़ को देख के जो है पीछे हट गए और इन लोगों की जान बच सके, उन्होंने गाड़ी तोड़ दी इनकी, बुरी तरह से गाड़ी को तोड़ा है, गाड़ी आपने वीडियो किसी माध्यम से आप तक पहुंचवाएंगे, उस वीडियो को गाड़ी की वीडियो को पहुंचवाएंगे, और जिस हिसाब से गाड़ी तोड़ी, जिस हिसाब से उनके अंदर गुस्सा था, अभी नशे का गुस्सा था, पैसे का गुस्सा था, हमने कैसे था, क्योंकि वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और वो आए दिन ऐसी वारदात करते रहते हैं, आज से नहीं कह रहा उनके खिलाफ जो है 10-20 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनको लाइटली लेती है और छोड़ देती है, कोई अभी तक हाई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया, और काफी दिनों से जो है उनका एक दारू का व्यापार है, गोरख धंधा चल रहा है, उसके जरिए जो है अपना व्यापार भी बढ़ रहा है, उनका पैसा बढ़ रहा है, उसकी धमकी देते हैं, बोल दिया कि हम पुलिस वालों को खरीद लेंगे, 5-10 लाख रुपए दे देंगे और इस घर को भी आग लगाएंगे और जो है हम इस गाड़ी को भी आग लगा के जाएंगे। हम लोग मौके पे पहुंचे, 2-4 लोग जो है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है, तब वो तितर बितर हो गए और वहां से मौके से भाग गए। उसके बाद जो हमने 108 को सबसे पहले फर्स्ट जो कॉल किया, हमने 108 को किया, 112 को किया, 1095 पे भी किया, किसी ने कभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया, हमें ये भी बोल दिया गया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, आप प्राइवेट गाड़ी का यूज कर सकते हो। तो उसके बाद बहुत देर बाद जो है एम्बुलेंस की सुविधा हमें मिली, तब तक ये लोग बेहोश पड़े हुए थे, और उसके बाद जो है अभी तक हम लोग भाग ही रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो पाया, हमें कह दिया जा रहा है कि मुकदमा लिख दिया, लेकिन खाली मुकदमा कागजों में लिखने से काम नहीं चलेगा, आप ग्राउंड में भी तो दिखाओगे कि आपने क्या किया है, कागज में तो क्या लिखा क्या नहीं लिखा इसको तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, हम तो ग्राउंड में देखना चाहते हैं आपने इतनी बड़ी। और दूसरी चीज ये थी कि एक गढ़वाली लोगों को, निवासियों को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, वो एक बहुत ही मैं बता नहीं सकता घृणापूर्ण शब्द थे उनके, शर्मनाक, जो आसपास लोग सुन रहे थे, गढ़वाली लोग जो सुन रहे थे, सुनने के बाद भी जिन्होंने कान में रुई लगा ली होगी, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा ये वारदात किसी के साथ हो सकती है, और आपको छूटते ही एक आदमी को गाली नहीं दिखी, जितने गढ़वाली हैं कि इन गढ़वालियों को देख लेंगे हम, इनको नंगा नचाएंगे और इनके घर यहाँ से बिकवा देंगे, हम खाली करवा के छोड़ेंगे, ये वर्डिंग उनकी थी। उसके बाद हम लोग इन्वॉल्व हुए, हमने पहले सोचा इनका आपस में खापी के मामला चल रहा है, हम लोग देखा यार ये तो हमारे गढ़वाली परिवार है और इनके साथ मारपीट हो रही है, तो हम लोग इन्वॉल्व हुए उसमें, और अभी तक जो है अब 18 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस ये कह रही है कि